द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन समारोह के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल जी, मंच पर उपस्थित परम आदरणीय आचार्य नामवर सिंह जी, बंधुवर आचार्य दिलीप सिंह जी, मित्रवर आचार्य कट्टीमणि जी, आचार्य ऋषभदेव शर्मा जी, साहिरा बानू जी, सभा में बैठे गुरुतुल्य आचार्य मोहन सिंह जी, आचार्य सत्यनारायण जी और मेरे परम मित्र आचार्य कृष्णा जी और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के प्रबुद्ध छात्र छात्राओं, सबको मेरी शुभकामनाएं। ये मेरे लिए गौरव की बात है, जिस सभा में परम आदरणीय नामवर सिंह जी, आचार्य गंगा प्रसाद विमल जी जैसे विद्वान बैठे हैं, उस विद्वानों के सामने प्रतिभागियों की ओर से, श्रोताओं की ओर से टिप्पणी करने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, इसके पहले सबसे पहले मैं आचार्य दिलीप सिंह जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा। उनका पत्र आया था करीब 20 दिन पहले मेरे पास, और उस पत्र में लिखा हुआ था कि समापन समारोह में टिप्पणी करनी है। उसके बाद करीब एक 10 दिन के बाद मैंने मित्रवर कट्टीमणि जी को फोन लगाया, पूछा सर मुझे क्या करना है बताइए। तो उन्होंने भी यही कहा कि आपको समापन समारोह में टिप्पणी करनी है। तो मेरे पास कोई लिखित लेख नहीं है, और दुर्भाग्य से मैं कल नहीं आ सका, आज सुबह ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और सुबह से जितने सारे लेख मैंने सुने और शमशेर सिंह के संदर्भ में मेरे विचार हैं, उनके प्रकाश में मेरे विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। आधी जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है। आधी जनता भूखी है, यह आज़ादी झूठी है। शमशेर सिंह की यह पंक्ति मुझे याद है, जब मैं 1975 में एमए का विद्यार्थी था, हमारे कोर्स में अग्नेय और शमशेर सिंह दोनों रखे गए थे। हमारे गुरुजन जो है रीतकाल पर और भक्तिकाल पर जो बड़े बड़े विद्वान थे, इन कवियों को पढ़ाते पढ़ाते हमको कहाँ 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 से कहाँ ले जाते थे, अभी मुझे ताज़ा है। एक कुछ पंक्तियाँ शमशेर सिंह की सुनाकर मैं अपनी टिप्पणी आगे बढ़ाऊँगा। बंधुवर, अभी थोड़ी देर पहले एक कविता सुनाई थी हमारे ऋषभदेव शर्मा जी, उसी कविता के क्रम में आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक कविता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे बुनियादी वो पहली चीज़ कौन सी है कि मानव मात्र के लिए जिसका होना आवश्यक है, मानव मात्र के लिए जिसका होना आवश्यक है, तो एक ही जवाब होगा तुम्हारा, एकदम पहली बार, फिर दूसरी बार भी और अंतिम बार भी। क्या जवाब होगा? यही एक जवाब। अंतिम पंक्ति में एक शब्द का प्रयोग करते हैं शमशेर जी, शांति। शांति के बिना कोई विकास नहीं है, शांति के बिना कोई चिंतन नहीं है, शांति के बिना कोई प्रगति नहीं है। बंधुओं, शमशेर सिंह अंतर विरोधों के कवि हैं, सहज कवि हैं, सरल कवि हैं, सुकुमार कवि हैं, मार्क्सवादी कवि हैं, जनवादी कवि हैं, सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं, कवियों के कवि हैं। इतनी सारी टिप्पणियां आज और कल भी आप लोगों ने सुनी होगी, आज मैंने सुनी है। उनमें से सबसे पहले मुझे, मैं आचार्य नामवर सिंह के सामने शायद मैं दुस्साहस कर रहा हूँ, सुबह उन्होंने जो कविता सुनाई थी उस कविता की पंक्तियों का मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा, और जितना मैंने समझा है उनको उस कविता के माध्यम से, उस पर थोड़ी टिप्पणी मैं करना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है उषा।
शमशेर जी मिथकों के अद्भुत प्रयोग करते हैं। अमत की यथा आधुनिक काव्य के लक्षण माना गया, लेकिन शमशेर जी उसको नहीं मानते हैं। कई मिथकों का नए संदर्भों में नए अर्थों के साथ शमशेर जी ने प्रयोग किया। सुबह यह कविता पढ़ी गई थी, अपने संस्मरणों के बीच में आचार्य नामवर सिंह जी ने यह कविता पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर से एक बार मैं चाहता हूँ उस कविता को सभा के सामने प्रस्तुत करूँ। प्रात नभुता बहुत नीला शंख जैसे, प्रात नभुता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका, कोष्ठकों में अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे दुल गई हो, स्लेट पर यह लाल कड़िया का चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर जिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और अनेक बिंदियां, और अनेक बिंदियां, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। बंधुओं, इस कविता की एक नहीं है दो चेतनाएं हैं। एक चेतना प्रगतिवादी चेतना है और दूसरी चेतना है सांस्कृतिक चेतना। शमशेर जी का मार्क्सवादी विवेक है। शमशेर जी में मार्क्सवादी विवेक है, सांस्कृतिक हृदय है। इन दोनों का द्वंद्व इस कविता में हम देखते हैं। हमारे बंधुवर, शायद मुझे इसका अंदाज है, कल रंगों पर अपना लेख प्रस्तुत किया होगा। शमशेर जी स्वयं एक चित्रकार थे, सुबह आचार्य जी ने भी बताया। चित्रों के रंगों की विकीर्णता इस कविता में हम देखते हैं। उषा सचमुच ही आध्यात्मिक क्षेत्र में, वो भारतीय हो या पाश्चात्य हो, उषा के लिए बहुत बड़ा महत्व है। उषा के समय जो रंग जो है विकीर्ण होते हैं आकाश में, उन रंग विकिरणों के संदर्भ में गहरी चिंतन के साथ ये कविता रची गई है। ऊपर से देखने पर लगता है कविता बहुत सरल है, लेकिन उतनी सरलता कविता में नहीं है। इस कविता के बिंब और प्रतीक दोनों हैं इसमें। बिंब और प्रतीकों के विश्लेषण के बाद ही कविता हमारी समझ में आती, जितनी मेरी समझ में आई आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। आचार्य जी ने सुबह शायद ये कहकर मैं व्याख्या नहीं करूँगा टाल दिया था, व्याख्या नहीं की थी सुबह। मैं अपने ढंग से जो है इसकी व्याख्या करने का प्रयास करूँ। उसके पहले उषा को लेकर एक लोक कथा है, उस लोक कथा को सभा के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। उषा यानी प्रकाश, इस पूरे संसार के तिमिर को दूर करने वाला वो प्रकाश इस दुनिया में कैसे आया, इसको लेकर एक लोक कथा है। कि लोगों का ये विश्वास है कि पहले इस पूरे विश्व में प्रकाश नहीं था, कि प्रकाशहीन इस विश्व में सभी लोग इकट्ठे हुए ये तय करने के लिए इस विश्व में प्रकाश को कैसे कौन ला सकता है। तो सब लोग विचार करने लगे कौन जो है इस विश्व में प्रकाश को लाएगा। सबसे पहले सभा में, उस सभा में उपस्थित लोगों में से एक वृद्ध खड़ा हो गया, कहा मेरे पास अनुभव है, ज्ञान है, मैं प्रकाश को ढूंढ कर लाऊंगा, जहां भी हो उषा को मैं ढूंढ कर लाऊंगा। उन पर सबने विचार किया, उनको लगा ये तो वृद्ध है, किसी भी समय इस दुनिया से जो है ये जा सकता है, इसको ये अवसर नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद एक युवक खड़ा हो गया कि मेरे पास शक्ति है और मेरी उम्र अभी छोटी है, मैं ढूंढ कर उषा को इस दुनिया में लाऊंगा। लेकिन लोगों को लगा यह अनुभवी नहीं है, इसके पास ज्ञान नहीं है, इसको यह अवसर नहीं मिलना चाहिए। बारी बारी से इस रूप में आखिर एक बच्चा खड़ा हो गया और कहा लोगों से मैं उषा को ढूंढ कर ले आऊंगा। लोगों को लगा यह बच्चा है, दुनियादारी कुछ भी नहीं जानता है, ये कहां से उषा को लाएगा। तो उसके बाद जो है एक स्त्री खड़ी हो गई सभा में
रहने वाले एक स्त्री खड़ी हो गए। स्त्री ने कहा, मैं जरूर इस पूरे विश्व में जहां भी उषा हो मैं ढूंढ कर लाऊंगा। और स्त्री ने अपने पक्ष में एक तर्क दिया, मैं अकेली नहीं हूं, मैं दो हूं, मेरी कोख में बच्चा पल रहा है। अगर मैं किसी कारण से नहीं ला सकती उषा को, तो मेरी कोख में पलने वाला वो बच्चा लाएगा। तो ये तर्क जो सबको अच्छा लगा, उषा जो सूर्य से निकलने वाला है, उषा शब्द जो है स्त्रीलिंग इसलिए बन गया कि उस स्त्री ने जो है ये दुनिया में उषा को ले आई। इस रूप में एक लोक कथा जो उषा को लेकर जो है प्रचलित है। बंधुओं, इसमें नीला शब्द जो है वो वास्तव में चमत्कृत करने वाला शब्द है आध्यात्मिक। हाँ, मैं ज़्यादा समय आपको नहीं लूँगा। इस कविता में जो नीला शब्द है वो भारतीय आध्यात्मिक चेतना से संबंधित शब्द है। और उसके बाद नीला शब्द वास्तव में तिमिर को दूर करने वाला प्रगतिशील शब्द है। इस रूप में प्रगतिवादी चेतना भी है इस कविता में। और उसके साथ साथ जो है आध्यात्मिक चेतना नील को जो है नीलकंठ से और नील वर्ण वाले जितने सारे देवी देवता हैं भारत में उनके साथ जोड़ने की जो है कोशिश इसमें कवि ने की है। मैं उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। शमशेर ने अपनी कविताओं में मनुष्य की तलाश की है। आप सुबह वाले सत्र में किसी एक वक्ता ने ये टिप्पणी की कि शमशेर में समस्याओं का सामना करने का वो मन नहीं है। नहीं, वो जरूर मौन है, बुदबुदाते हैं, लेकिन मौन बुदबुदाने के बावजूद भी शमशेर में जो शक्ति है अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों से बात की है। निजी जीवन में लोगों से नहीं बात की हो, लेकिन अपनी कविताओं के माध्यम से जरूर जो है शमशेर ने बात की है। हाँ, शमशेर की एक टिप्पणी देखिए आज के संदर्भ में। समाज में दो प्रकार के लोग जो है दिखाई पड़ते हैं, एक चुप रहने वाले और दूसरे चीखने वाले। चुप रहना और चीखना, ये दोनों जो है कैसे अपराध के गुण हैं, शमशेर ने कविता में प्रस्तुत किया है। और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। साहित्यकार होने के नाते, कवि होने के नाते शमशेर जी एक चुनौती को स्वीकार करते हैं। वो लिखते हैं, क्या यही होगा जवाब एक कलाकार के पास, क्या यही होगा जवाब एक कलाकार के पास, रखा जाएगा कलम जूती और पैजार के बाद, क्या यही जोड़े हैं संस्कार संसार के पास, यही संकेत है साहित्य के व्यापार के पास, साहित्य के व्यापार के पास। शमशेर जो है सचमुच ही शमशेर के जो है, मैं अपने शब्दों में शमशेर पर टिप्पणी करके अपनी टिप्पणी को मैं समाप्त करूंगा। एक ओर शमशेर मार्क्सवादी विवेक, दूसरी ओर उनके अपने संस्कार दोनों तनाव और द्वंद्व से झूमते टकराते हैं। मनुष्य में जो कुछ सबसे सुंदर, मनुष्य में जो कुछ सबसे सुंदर, सबसे कोमल, सबसे उदात्त और सबसे मानवीय है, शमशेर की कविताओं में हमें प्रभूत मात्रा में वो सब मिलता है। उनकी कविता जीवन के राग की कविता है। उसमें बारीक इंद्रिय बोध और तलस्पर्शी भावबोध के साथ संसार के न जाने कितने अनुभव, उसके सौंदर्य के न जाने कितने आयाम मिलते हैं। शमशेर की कविताओं को पढ़ने के बाद जो है ये अनुभव जो है प्राप्त होते हैं। बंधुओं, अभी हमारे आचार्यगण से सुनने का मुझे भी जो है बहुत जो है आतुरता से मैं भी उनका इंतजार कर रहा हूँ। मैं अपनी टिप्पणी यहीं समाप्त करता हूँ। जो अवसर जो है मौलाना आज़ाद उर्दू विश्वविद्यालय की ओर से और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा उच्च शिक्षा शोध संस्थान की ओर से प्राप्त हुआ। और अब सबने मेरे जो इस लघु टिप्पणी को, संक्षिप्त टिप्पणी को सुनने का मौका मुझे दिया, इन सबके प्रति आभार हूँ।